ओम शांति। ओम शांति। रचना ने कहा था, लेकिन आत्मा कहाँ है? शरीर के अंदर है, इधर बैठी है। आत्मा कहाँ? हृदय में नहीं। ये निकाल के दूसरा लगाते हैं आज। ये जो हृदय है ये खून चलाता है, लगा सकते हैं। ये इधर आत्मा नहीं रहती है। आत्मा इस मस्तक पर, मंदिर में जाते हो तिलक यहां लगाते हो। तो कहते भगवान ने मेरे तकदीर में क्या लिखा? भगवान आके लिखता नहीं, जो मैं कर्म करता हूं वो सब यहां रिकॉर्ड होता है आत्मा पर। तब हम कहते पता नहीं भगवान ने लिखा, इनके तकदीर, इनका भाग्य ऐसा है। हम जो कर्म करते हो सारा अंदर भरता है, तब उसको पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देवता। अगर अच्छे कर्म किया है, कोई भी किसी को दुख नहीं दिया है, एक दिन भी शुरू से आज तक किसी को गुस्सा नहीं किया है, तो जब वो सोते हो एक भी बुरे स्वप्न नहीं आते हैं। कब सोए कब उठे पता ही नहीं है, क्यों? अंदर कोई पाप नहीं आए। अगर जब रात को सोते हो बुरे स्वप्न आते हैं कि अंदर पाप है, वो बाहर दिखाई देता है। मन में विचार आते हैं, फिर बाहर अलग अलग बीमारी दुखों के रूप में आती है, बीमारियों के रूप में, तो अंदर दिखाई देता है। उसको मिटाने के लिए एक विधि चाहिए। सवेरे एक बताया था और अभी दूसरी है। सवेरे बताया था, किसी को देखते ही उनके प्रति शुभ सोचो एक ही दिन। सवेरे कहता अगर कल रात को सोएंगे, कल सवेरे करो, रात को कल सोएंगे एक भी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, एक ही दिन। बस एक गोली खाते ही पता चलता है, हाँ थोड़ा सा बीमारी ठीक हो गया, विश्वास होता है एक गोली खाने से बीमारी ठीक हो गई। तो यहां भी ज्ञान सुनने से नहीं, तो एक काम करना चाहिए। सवेरे कहा था कि अगर आपने किया वो सवेरे से, नहीं किया वो कल सवेरे करो। सवेरे उठते ही, आंखें खुलते खटिया पर बैठते ही, घर में बच्चे, बहू, सास, सब लोग सोए हुए हैं, पति, सब सोए हुए होते हैं। आप आंखें खुलते ही भगवान, कौन भगवान, किस डॉक्टर को बुलाया? शिव। तो वो हमारा बाप है, शिव बाबा। ये आपके बच्चे हैं, ये आपका संसार है, इनको सभी को सदा सुखी बनाओ, सबका कल्याण करो, सबको सद्बुद्धि दे दो। ये सवेरे उठते ही भगवान से प्रार्थना, भगवान को याद करो। क्या करेंगे? मुझे कुछ दे दो नहीं, ये आपका संसार है, मेरा नहीं, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी, ये नहीं, ये आपका संसार है, आपका, पर इनका कल्याण करो। ये नंबर वन। फिर सवेरे दूध वाला आया, न्यूज़पेपर वाला आया, मार्केट में जाते हो, फिर किसी को भी देख लो, देखते ही किसी पर नजर गई, देखते मन में उनके प्रति शुभ सोचो। क्या शुभ सोचेंगे? अब प्रश्न आएगा। तो देख, शुभ सोचना माना औरों को देखते, ये कौन? हाँ शिव बाबा, ये आपका बच्चा है, इसका कल्याण करो, इनको सद्बुद्धि दे दो, इनको शांति की शक्ति दे दो। चाहे गरीब हो, चाहे मित्र हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, पति हो, सास हो, बहू हो, बीमार हो, दुखी हो, आप क्या दे सकते हो, क्या कर सकते हो? गरीबों को कितना दिन खाना देंगे आप? किसी को कुछ नहीं चाहिए। पहले औरों को देखते ही शुभ सोचने का अभ्यास डालो। अगर ये एक ही दिन करो, सवेरे से रात तक, एक घंटे में एक व्यक्ति के लिए सोचो, दो भी नहीं, एक घंटे में, एक घंटे में 60 लोगों के लिए सोच सकते हो आप। 60 मिनट है एक घंटे में, कम से कम बताया, एक एक बूंद एक एक घंटे में इकट्ठा करो, शाम तक ग्लास भर जाता है।